के लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार। सत्यकाम विद्यालंकार जी ने यहाँ पर एक बड़े ही सरल तरीके से एक व्यंग्य बताया है कि जब इंसान पूरी तरह से आराम करने के बारे में सोचता है तो पूरी तरह से आराम कभी नहीं मिलता है, पूर्ण विश्राम कभी नहीं मिलता है। इसलिए इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए। इस तरह से ज्यादा काम करके बीमार न पड़ो कि आपको वक्त ही न मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काला कपड़ा लपेटा और रबर की थैली से हवा फूंक कर नानी की गति देखी, फिर बोला। मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, काला कपड़ा लपेटकर, ये देखिए इसका मतलब है ब्लड प्रेशर चेक करने वाला बीपी मशीन। तो कहते नाड़ी मतलब नब्ज, नस की गति मतलब पल्स रेट देखा और बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आई, ऑफिस से थोड़े दिन की छुट्टी ले लो और थोड़ा घूम कर आओ, माइंड चेंज करके आओ। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। विश्राम मतलब आराम। जब आप आराम करोगे तो आप पूरी तरह से पूर्ण मतलब पूरी तरह से निरोग मतलब जिसको रोग ना हो, अर्थात रोग रहित या स्वस्थ कर देगा, हेल्दी कर देगा। अब थोड़ा आराम कर लोगे तो, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। जो आराम लेना पूरा आराम लेना, मतलब जब आराम कर रहे हो तो सिर्फ आराम करना, बाकी कुछ काम मत करना। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, आराम के नाम पे पत्नियां जल्दी खुश हो जाती हैं। मतलब और हम लोग थोड़े दिन बल्ले बल्ले एंजॉय करेंगे। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया। लेकिन को लगा कि भाई चलो अब पूर्ण विश्राम की बात है तो पत्नी से तो भाई बात शेयर करनी पड़ेगी, और पत्नी से जाकर श्रीमती जी से कह दिया। क्या कहा, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे, फिर जुहू चलेंगे और 2 दिन हम पूरा आराम करेंगे सिर्फ। बाकी सबको भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, सिर्फ आपको? हाँ, बाकी सबको वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? दर्शन सर, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? हेलो, हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? थोड़ी सी हो रही है सर। पीपीटी स्टॉप हुआ है सर आपका। मतलब थोड़ा वीक है शाम। 1 सेकेंड, कोई काम नहीं करेंगे। अब दिख रहा है स्क्रीन? ठीक, रुद्रा अगर आप स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप एक बार लेफ्ट होकर फिर से ज्वाइन हो जाओ, दिखेगी, डोंट वरी। हाँ, टेंशन मत लो, वो नेटवर्क की इशू की वजह से कभी हमारे इधर से कभी आपके नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ऐसा होता है। ठीक है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। तो आगे श्रीमती जी ने सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। भाई अगर चलना है 2 दिन के आराम के लिए, छुट्टी मनाने के लिए जुहू चलना है तो पहले काम करो, पूरा प्लान करना पड़ेगा। सूची एक लिस्ट बनाई और दे दी, इतने सामान लेके आओ, ये सब काम को करवाना है। गैरेज में पहुंच कर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी मतलब पंप ट्यूब वाला, सॉरी ट्यूब वॉल रबर सोल्यूशन मतलब पहले कार की तैयारी हो रही है,
ऐसा लग रहा है कि कार कई साल से भंगार में पड़ी हुई है और उसको लेके जाना है जी। तो इसके लिए जो लंबी चौड़ी लिस्ट दी, उसमें जब जाके उन्होंने देखा कि गैरेज में श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की उसका यानी पंप ट्यूब वॉल टायर के अंदर और रबर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसके लिए, अगर पंचर को चिपकाने के लिए, 1 गैलन इंजन ऑयल मतलब फ्यूल डीजल या पेट्रोल आई डोंट नो आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें और भी लिखी थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी थी। दिन भर और धूप करके पायदान से निकल लाया पानी कालवादी में एक प्लेस है छोटा सा, ठीक है, तो वहां से एक मिस्त्री मैकेनिक पकड़ के लेके आया बनवाने के। सुबह से शाम हो गई, ये सब काम करवाते करवाते सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनिया भी नहीं कसी गई। मतलब इतना काम था कि दौड़ते दौड़ते इतना काम कि घर का काम बराबर हुआ नहीं, क्योंकि घर में जो खिड़कियां लगी थी उनकी चटकनी मतलब लॉक 4 में से 2 लॉक भी ठीक से नहीं लग सका। मोटर के जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। थोड़ा आराम करो, दिल की धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए, और काम करते करते ही दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन किसके लिए, पूर्ण विश्राम के लिए, आराम लेना है इसके लिए थोड़ा काम कर रहे हैं। अब आगे देखो, मुंबई के एक स्थान का नाम है पायधुनी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आश्वासन मतलब भरोसा देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, मतलब आज जो हम लोगों ने आराम करने के लिए इतनी मेहनत की है तो कल तो जुहू चलना ही है, चलेंगे वहीं पर, आज की थकावट वहीं पूरी हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से, कर कमलों से मतलब अपने हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाकर मतलब अलार्म लगाकर उन्होंने सुई को घुमाया और अलार्म को सेट किया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। पहले जाकर उन्होंने देखा कि मोटर तैयार हो गई ना, कार चलने लायक हो गई एकदम वेल मेंटेन, और ये तसल्ली करना, देखो पहले लिख लो मुआयना मतलब निरीक्षण, जो शब्द नहीं समझे उसको पूछ लेना हाँ मैसेज करके, मुआयना मतलब निरीक्षण। और तसल्ली आश्वासन कर ली कि सूची में लिखा, सूची मतलब लिस्ट, लिस्ट में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते बजते, सुबह के 5 बजते बजते कहाँ पे थे, तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा हुआ सब सामान आया कि नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया और हम देना चालू कर दिया। रोशनी होते न होते पर कमलों में हाथ हो, कर मतलब हाथ होता है, कमल के समान हाथ, ठीक है, कर कमलों, तो रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई, मतलब सुबह होते होते जो है तैयारी जोर में, आधा सॉरी खुद तैयारी होने लगी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, पहले गैस नहीं थी भाई, मतलब
मुंबई जैसे शहर में भी लोग स्टोव या फिर सिकड़ी होती थी जिसमें कोयला डाल के जो है उसको गर्म करते थे खूब, फिर उसके बाद तब उससे खाना बनता था, पकता था, ऐसे होता था। तो स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, मतलब स्टोव खराब हो गया, वो हर मिनट बुझने लगा, जो कम बुझे ज्यादा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, ढोंकनी करने, पंप करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया कि भाई जाने चाय नहीं पीएंगे, जाना चाहिए। ठग मतलब टाल देना, पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर दिया गया। और हम दत्तचित्त हो, दत्तचित्त का मतलब है ध्यान पूर्वक, सावधानी से ध्यान पूर्वक तैयारी में जुट गए। चलो भाई सामान सब सावधानी से पैक करो, वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी ना की होगी। वाटरलू मतलब नेपोलियन बोनापार्ट, स्थगित मतलब पोस्टपोन, बताया तो, और मीनिंग भी तो दिखा रहा हूं आशीष, मीनिंग भी तो दिखा रहा हूं, इतना बात क्यों पूछते हो? लिखा स्थगित का मतलब, लिखा दिख नहीं रहे स्क्रीन पे? अच्छा मीनिंग दिख रहा है सबको, रुक गया है। अरे बहुत लिख लो, मैं बोल रहा हूँ स्थगित मतलब टालना, इंग्लिश में लिखेंगे तो पोस्टपोन करना। सचित होकर तैयारी में जुट गया। और लेखक ने कहा कि वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने भी ऐसी तैयारी ना की होगी। किस बात की? युद्ध की। नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध पे वाटरलू जाने के पहले भी इतनी भयानक तैयारी नहीं की होगी जितना हम 2 दिन के आराम की तैयारी कर रहे थे, समझा? दत्तचित्त मतलब ध्यान पूर्वक लिख लो। अब आगे ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास करते हैं। ऐसी महत मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, आवश्यक, जरूरी, जो भी है, आवश्यक योजनाओं के संपन्न मतलब पूरा करने में हम पति पत्नी मतलब लेखक और उनकी पत्नी परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, परस्पर एक दूसरे के साथ या आपस में सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास करते हैं। ये पति सोचते हैं हम पत्नी की मदद करें, पत्नी सोचते हैं पति की मदद करें। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। अगर झगड़ने से बचना है, लड़ाई झगड़े से, तो क्या करो? पत्नी का फर्ज है कि पति की मदद करे, पति का फर्ज है वो पत्नी की मदद करे। सहयोग मन वचन कर्म तीनों से होता है।
मतलब सब कहते हैं कि जो मदद है ना वो सिर्फ पैसे से नहीं होती है। मूल मंत्र का मतलब विशेष बात ध्रुवी, ठीक है। मंत्र मतलब पता है ना, मूल मंत्र का यहाँ पर हमारे जीवन का मूल मंत्र मतलब हमारे जीवन की शिक्षा क्या है। मूल मंत्र क्या है? सहयोग, मदद करना, यही सबसे खास बात है। सहयोग मन से, वचन मतलब बातों से, कर्म कार्य से, इन तीनों से होता है। मनसा वाचा कर्मणा, जीवन का यह मूल मंत्र। ये खास बात मुझे बुलाना था कि भाई पत्नी का मन कर्म वचन से साथ देना है, सहयोग करना है, क्योंकि शादी में ये वचन दिलाया जाता है। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी। अब श्रीमती जी पति को याद दिला रही हैं कि तुमको क्या क्या अभी क्या क्या भूल रहे हो, बताया उन्होंने क्या कहा। और मैं उनके उपकार, उनके द्वारा की गई भलाई के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। कितनी अच्छी बात है कि पत्नी याद दिला रही है, पति परमेश्वर जी आप क्या क्या भूल रहे हैं, और उसके बदले में पति जी उनका हाथ बटा रहे हैं। हाथ बटाना मुहावरा है, अंडरलाइन करो, मदद करना, जिसका अर्थ होता है हाथ बटाना मतलब मदद करना। मैंने याद दिलाया, मैंने मतलब लेखक ने पत्नी को याद दिलाया, अरे पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना, पूड़ी बनाई हो ना उसके साथ मिर्ची का अचार रख लेना, बड़ा अच्छा लगता है। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना, क्योंकि तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है ना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बोला पर तुम्हें रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद मफलर जो ठंडी के समय में गले में और कान में बांधते हैं ना, मफलर ना भूल जाना, जो हम पिछले साल कश्मीर तो मफलर के जा रहे हैं कि जुहू चौपाटी नहीं ले लद्दाख जा रहे हैं। यहाँ पर माइनिंग हो रही है, जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, बड़ी ठंड हवा चलती है, कहाँ जुहू में। पत्नी ने कहा गुलबन तो रख लूंगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जा। बेदिंग सूट मतलब वो नहाने वाला, समुद्र आदमी नहाते समय पहनने वाले कपड़े, अरे स्विमिंग पूल में पहनते ना लोग, वही वेट। मैं फिर से स्क्रीन कनेक्ट करता हूं। ओके स्नेहा, अभी दिख रहा है? सॉरी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो अगर नहीं दिखे या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करो जिससे मैं कुछ कर सकूं, ठीक है। हाँ तो बेडिंग सूट मतलब नहाने वाला कपड़ा, देख के लिखना, बेडिंग वेडिंग मत लिखना, शादी वाला नहीं, बेडिंग है। हाँ आगे बेडिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा, फिर नहा नहीं पाओगे, पता चला घर से नहा के चलना पड़ेगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो, रबर वाला कैप अगर तू भूल गई तो समझ लो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पत्नी ने कहा
अरे वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर, पेपर वो नोटबुक की तरह जो कुछ नोट करने के लिए, नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। राइटिंग पैड इस पे रख के लिखते हैं, नोट पैड राइटिंग पैड मत भूल जाना। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, झूठ पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यो तो वक्त भी नहीं मिलता ना। मतलब जुहू चौपाटी जाकर पूर्ण विश्राम करने में भी और कामों की वहां पे लाइन लग रही है, और बातें वहां पे और बन रही हैं कि बैठ के खत लिखेंगे, बैठकर वहां पर क्या क्या करेंगे, सब पूरा प्लानिंग चल रही है पूर्ण विश्राम में। और कहा, और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना। कौन कह रही है? श्रीमती जी। किसको कह रही है? अपने पति देव को, अर्थात लेखक को कह रही है कि मुझे खाली पेपर ले लेना, नोट पैड रख लेना, और वो चिट्ठी भी रख लेना, क्योंकि जिनके जवाब देने हैं वो चिट्ठियां ही रख गई तो जवाब किसके दोगे? मतलब जो खत पढ़कर आपको जवाब देना है, अगर वो खत नहीं रहेगा तो आप कैसे रिप्लाई करोगे, सामने वाले को कैसे रिस्पॉन्स करोगे, ये पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि उसे भी रख लेना। और कहा, और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, मतलब बिजली का बिल का पेपर भी आ गया है, और बीमा मतलब LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसका भी नोटिस आकर पड़ा है, उनका भी भुगतान करना है, मतलब उनका भी पैसा पे करना है, उन्हें भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना, क्योंकि वहीं जहां पे कहीं मिलेगा वहां पे बिल भर देंगे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए, मतलब गॉगल्स भूल गए, तो सर का दर्द चढ़ गया, मतलब सिर दर्द बढ़ गया, इसलिए कहती हूं छतरी भी रख लेना। मान लो चश्मा नहीं रहा तो छतरी तो रहेगी, धूप में नहीं छांव में बैठोगे छतरी लगा के, सरदर्द तो नहीं होगा। लेखक ने कहा, क्या कहा? अच्छा बाबा रख लूंगा, और देखो धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। मतलब सनस्क्रीन भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए, मतलब कहीं धूप में बैठो शरीर पे शाम तक तेज धूप के कारण छाले ना पड़ जाए। वहां बहुत करारी धूप पड़ती है, पहले कहते हैं मफलर ले लेना बड़ी ठंड लगती है, और फिर कहते हैं छतरी ले लेना, सनस्क्रीन ले लेना, धूप वाली क्रीम ले लेना, क्योंकि कहीं धूप से छाले ना पड़ जाए। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी, रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी क्या? नेल कटर, कैंची, ब्रश, और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी कि नेल कटर नहीं मिलेगा तो बताओ जो चौपाटी पे बैठ के कैसे हम नाखून काटेंगे। मैं कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है तैयारी जू जाने की? हाँ जी, पूर्ण विश्राम की तैयारी समझ में आ रही है? क्या डाउट है? ओके सिमर, बाकी लोगों को ओके, थैंक यू। अब आगे मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी चीजें तो रख लो। अब आगे
मैं अपने लिए नया अखबार, नया न्यूज़पेपर और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी। ये बात समझना जरूरी है। उनके पतिदेव एक लेखक हैं और लेखक के पास बहुत सारे नए लोग किताबें भेजते हैं कि भाई देख लो मेरी किताबों में कोई कमी है तो बता दो, उसके समालोचना करते हैं। मतलब जो क्रिटिक्स होते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज को, चाहे बुक को, चाहे पॉलिटिक्स को, तो उन ये समालोचना करने वाले थे। अभी भी ध्रुवी वॉइस लैग हो रही है अभी भी? हाँ, किसने बताया ओमकार, क्या बात है, ब्रिलियंट माइंड, क्या आपने कैच किया। मतलब देखो ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है कि मेरे राजा साहब ने शब्द पढ़ा था और यहाँ भी आपको देखो समझ में आ गया कि हाँ यही चीज है। थैंक यू थैंक्स। तो ध्रुवी आप एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाओ, बाकी लोगों को नहीं है डिस्टर्बेंस, एकदम क्लियर है आज। आगे तो उन्होंने कहा कि समालोचना के लिए मतलब गुण और दोष देखने के लिए बहुत सारी किताबें आकर रखी पड़ी थी कि उनको देखना, उनमें लिखना था कि भाई क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और सोचता था कि फुर्सत से मतलब आराम से समालोचना कर दूंगा, मतलब उनकी अच्छाई और बुराई देख लूंगा बता दूंगा। आखिर तीन किताबें थैले में झोंक ली, झोंक ली मतलब रख ली, ठीक है, तो तीन किताबें रख ली। तो कई दिनों से कविता, भाई लेखक हैं कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, उन्होंने कहा कि कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी कि कविता लिखूं कविता लिखूं। उनकी कई कतरने, कतरने मतलब कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरी पड़ी थी ना। क्या करते हैं कि जब उनके दिमाग में कविता आती है तो जो भी मेरा पेज, एक छोटा सा पेज भी मिल गया तो फटाफट उसी पे लिख लेते हैं, लिख कर रख लेते हैं अपने पॉकेट में। बड़े आलसी होते हैं, पेयर करने में पता बहुत टाइम लगाते हैं, डिले कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कई कविता भी लिखने का मन कर रहा है, किताब में लिखूं पेयर करूं उसको। तो उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किए, साफ कलेक्ट कर लिया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी, मतलब मस्त चौपाटी, समंदर का किनारा, नीला पानी, उड़ती हुई लहरें, चलती हुई जहाजें, शिप बोट नाव, ये सब दिखेगी वहां पे और बड़ा मस्त माहौल रहेगा वहां। तो ऐसे सागर को देखकर जो है कविता बन जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा। आखिर आखिर कई अटैची, अटैची मतलब सूटकेस, कई थैले झोले भरकर हम जो पहुंचे, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए इतनी भारी भरकम तैयारी, ऐसा लग रहा था कि 15-20 दिन के लिए किधर कहीं मनाने जा रहे हैं। कई अटैची कई थैले झोले भर भर कर हम जो पहुंचे, 5-7 मिनट तो स्वप्न लोक में विचरते रहे। वाह क्या मजा आने वाला है, अब तो आज 2 दिन यही आराम करेंगे, ऐश करेंगे, पूरा दिन एंजॉय करेंगे, पूर्ण विश्राम करेंगे, ठीक है।
हम स्वप्न लोक मतलब सपनों की दुनिया में, मीन तो लिख लो भाई, स्वप्न लोक मतलब सपनों की दुनिया में विचरते, घूमते, यात्रा करते। हम सपनों में एकदम उड़ रहे थे, वाह क्या मस्त बीट, मजा आने वाला है रुपे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े, 5-7 समुद्र में नहाने के लिए हम चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे, देखा और भी बहुत सारे लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और सर के ऊपर से लहर गिरी और ऐसा लगा कि पानी में हमें ढक लिया। लहर की उस थपेड़, थपेड़ मतलब आघात, चोट या झटका, लहर के उस झटके से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में, दिमाग में क्या नई फूट गई, एक नया जोश आ गया उनके दिमाग में। उन्होंने मुझसे पूछा, एक लहर का झटका खाते ही उन्होंने अपने पति से पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं किया था? अब बताओ, अब पहुंच गए हो तो एंजॉय करो। लेकिन श्रीमती जी को तो घर का टेंशन भाया। अब उन्होंने पूछा, तुमको याद है तो तुमने बरामदे मतलब कॉरिडोर में, गैलरी में जो खिड़की है कमरे की, उसको तुमने अंदर से लॉक किया था या नहीं किया था, ये बता दो तुम। लेकिन लेखक तो भाई पूर्ण विश्राम के मूड में था, उसने कहा, मैं क्या उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता भाई, अब मत पूछो, अब मुझे तो खाली एंजॉय कर लो, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन पत्नी को तो ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ता है ना, क्योंकि परिवार की सारी जिम्मेदारी पत्नी के सर पे होती है। अब पत्नी ने सोचा, अगर वह बंद नहीं हुई, अगर खिड़की अंदर से बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। रंग पीला पड़ जाना मतलब इसके दो अर्थ होते हैं, या तो उदास हो जाना या तो घबरा जाना। ठीक है, मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंता को, जो होना होगा जो हो जाएगा। क्या होगा? चोरी होना होगा तो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू का समुद्र ही बह पड़ा। वैसे वो लोग सागर में नहा रहे थे, लेकिन ये बात कहते ही श्रीमती जी की आंखों से सागर बहने लगा, अर्थात श्रीमती जी रोने लगी। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? चोरी हो जाएगी, सब सामान उठा के लेके चले जाएंगे लोग। यह सोच उनकी अधीरता बेचैनी, लिखो मीनिंग, अधीरता बेचैनी, व्याकुलता या बेचैनी, बेचैनी अच्छा शब्द है, इजी है, लिख लो। अधीरता मतलब बेचैनी और भी ज्यादा होती जा रही थी। मतलब ये सोचकर अगर घर की खिड़की खुली होगी तो घर में क्या क्या हो सकता है, ये सोचकर उनकी बेचैनी और बेताबी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू आए थे जनाब, देखो क्या कह रहे हैं, जिस धड़कन का इलाज करने के लिए जुहू आए थे। अरे यार,